नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी एकेडमी अबोहर पंजाब से। आज हम लोग जी जीके 9 पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन जी, इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज एजुकेशन फॉल। एजुकेशन जो है जी, ये कौन सी लिस्ट के अंदर आता है जी? तो चार आंसर हम देखते हैं जी। पहले दे रखे यूनियन लिस्ट, फिर दे रखे स्टेट लिस्ट, फिर दे रखे कंकरेंट लिस्ट, चौथा है नन ऑफ दिस। यूनियन लिस्ट में ये वो विषय आते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, जिसे हम लोग केंद्रीय सूची भी बोल देते हैं। इसमें पहले जी 97 विषय थे, अब बढ़कर के 99 हो गए हैं जी। जो स्टेट लिस्ट है जी, इसमें वो विषय आते हैं जो कि राज्य के सरकार के अंदर आते हैं जी, जिसको राज्य सूची भी बोल देते हैं जी, यानी इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ वगैरह बना सकती है जी। इसमें पहले जी 66 विषय होते थे, अब कम होकर के ये 61 रह गए हैं, यानी 61। कंकरेंट लिस्ट में वो विषय आते हैं जिनके बारे में जी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर होती है, और दोनों मिलकर के इसके बारे में कोई लॉ बनाते हैं, तो वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। इसमें पहले जी 47 विषय होते थे, अब बढ़कर के ये 52 हो गए हैं जी। कंकरेंट लिस्ट जो कि हमने जी ऑस्ट्रेलिया से ली है जी, तो अब ये क्वेश्चन ये आता है, एजुकेशन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एजुकेशन आता है कंकरेंट लिस्ट में आते हैं जी। कंकरेंट लिस्ट में आने वाले दो विषय जी हमें जो मेनली याद होने चाहिए, एक तो है जी एजुकेशन और दूसरा है जी पंचायती राज। ये दोनों में से एक क्वेश्चन जी पेपर में अक्सर आ जाता है, पंचायती राज कौन सी लिस्ट में आता है जी। यूनियन लिस्ट में वो विषय जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, जैसे कि रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, डिफेंस हो गया जी। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो आते हैं वो स्टेट लिस्ट में आ गए, जैसे बिजली बोर्ड हो गया जी, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया एटसेट्रा जी। तो पहले का आंसर आएगा जी सी। सेकेंड क्वेश्चन है जी, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की प्योरिटी को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जी? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध के लिए यूज करते हैं, इसका आंसर है जी सी। पहला आंसर जो दे रखा है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर जो यूज किया जाता है, ये बीपी मापने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मल अडल्ट का जो बीपी होता है 120/80 होता है जी। बैरोमीटर जो है जी, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर मापने के काम आता है, और थर्मामीटर जो है ये टेम्परेचर मापने के काम आता है जी। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज द लेंथीएस्ट क्लासिकल एपिक ऑफ इंडिया। इंडिया का जी सबसे लंबा जो है जी एपिक कौन सा है? महाभारत जी। ये इंडिया का ही नहीं जी, ये वर्ल्ड का लेंथीएस्ट एपिक है जी। एपिक होता क्या है? महाकाव्य है, जिसे कविता के रूप में लिखा गया है जी। महाभारत जो है ये वर्ल्ड का ही लॉन्गेस्ट या लेंथीएस्ट एपिक है जी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए भी एक ही टॉपिक के ऊपर लिखा गया जी, सबसे बड़ा जो एपिक है वो कौन सा है जी? तो एक ही टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ जी जैन अवस्था है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बड़ी बार आया पेपर में जी, जैन अवस्था। ये एक ही टॉपिक के ऊपर लिखा गया सबसे बड़ा एपिक है जी। अगर वैसे लेंथीएस्ट पूछा जाए ओवरऑल, तो वो महाभारत है जी। गीत गोविंद के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे, गीत गोविंद जो है ये जयदेव की लिखी हुई है जी। भगवद गीता जो है जी, ये महाभारत का पाठ है जी, जिसमें जी भगवान श्री कृष्ण ने जी अर्जुन को उपदेश दिया है जी। फोर्थ क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 5 years जी। ये आंसर है इसका जी। जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की टर्म जो है जी 5 years होती है जी। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ये राज्यसभा का चेयरमैन भी होते हैं जी। अब बात ये आती है, जो राज्यसभा है जी, राज्यसभा की टर्म तो 6 साल होती है जी। तो राज्यसभा की टर्म जब 6 साल है, तो वाइस प्रेसिडेंट की टर्म 5 साल कैसी है जी? वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ये चेयरमैन तो होता है राज्यसभा का, लेकिन ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा जी। नेक्स्ट है जी, विच इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है जी? आंसर है जामा मस्जिद। सेकेंड इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्थडे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एज चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रन डे के रूप में किस लीडर का बर्थडे मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी जिन्हें चाचा कह करके संबोधित किया जाता है जी, तो उनके बर्थडे को जी चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है जी। जवाहरलाल नेहरू जिनका जन्म हुआ था 14 नवंबर जी, 14 नवंबर 1899 यानी 1889 में जिनका जन्म हुआ था जी। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, और 1899 यानी 1889 में इनका जन्म हुआ था। पूरे 100 साल बाद जी गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की थी JRY, जिसे जी जवाहर रोजगार योजना के नाम से जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में आ जाती है जी। महात्मा गांधी का सभी को पता है, ये 2 अक्टूबर 1879 को जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को हम लोग जी गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। एस राधाकृष्णन का जो जन्म है जी 5 सितंबर को है, तो इसे टीचर डे के रूप में मनाया जाता है जी। श्रीमती इंदिरा गांधी, इनको 31 अक्टूबर 1984 को SSC नेट कर दिया गया था, और 31 अक्टूबर को जी नेशनल इंटेग्रेशन डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट परमानेंट होम ऑफ आर्यंस इन इंडिया वाज। आर्यंस का जी इंडिया में जो फर्स्ट परमानेंट होम था जी, वो कहाँ पे था जी? दैट इज पंजाब। पहले जी ये माना जाता है भी आर्यन लोग जो है ये
सेंट्रल इंडिया से आए थे, पर्टिकुलरली आप ईरान वाला एरिया कह सकते हो जी। तो ये इधर आकर के सबसे पहले पंजाब में ही बसे थे जी, और हम लोग जो है आर्य लोगों के वंशज गिने जाते हैं जी, और हमारी जो भूमि है जिसे आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी लिखी हुई है जी, महात्मा गांधी की लिखी हुई है, ऑटोबायोग्राफी है जी महात्मा गांधी की। ये जवाहरलाल नेहरू की दो किताबें, एक तो है जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरी है जिसकी जी ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जी, विश्व इतिहास की झलकियां जी। जो ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है जी, ये बेसिकली कोई किताब नहीं है, ये एक्चुअली क्या है जी, जब नेहरू जी को जेल होगी थी तो उस वक्त ये अपनी बेटी यानी इंदिरा गांधी को जी लेटर लिखा करते थे, और लेटर में बताते थे विश्व में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, उनका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो सारा उसमें बताया गया था। तो ये लेटर्स को ही कंपाइल करके एक बुक का रूप दे दिया गया जी। पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था अभी, कौन सी ऐसी किताब है जो कि लेटर्स के रूप में है जी, ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलकियां। इंदिरा गांधी की किताब का नाम क्या है जी, माय ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेयर इज कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड जी, कोणार्क सन टेम्पल जी, कोणार्क टेम्पल या सन टेम्पल या कोणार्क सन टेम्पल बोल देते हैं, उड़ीसा में है जी, बड़ा ही फेमस टेम्पल है जी। ये सूर्य देवता का मंदिर है जी, सूर्य देवता जैसे हम लोग जानते हैं जी एक रथ पे बैठे दिखाई देते हैं जी, तो ये मंदिर जो है पूरा रथ के ऊपर यानी चैरिट के ऊपर बनाया गया जी, और सूर्य देवता का जो रथ होता है उसके आगे सात घोड़े लगे होते हैं, तो रथ के ऊपर मंदिर बनाया गया और इसके आगे क्या है, सात घोड़े लगे हैं जी। इसके जो 24 व्हील लगे हुए रथ के जी, वो 24 दिन में 24 घंटों को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेटनस इज ए डिजीज कॉज्ड बाय, टेटनस एक डिजीज है किसके द्वारा होता है जी, बैक्टीरिया के कारण जी, इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया जी, एनी बेसंत ने जी, इसका आंसर आएगा जी ए, 1916 में ये शुरू किया गया था जी, 1916 जी। इसके साथ ही जी होम रूल मूवमेंट में और किसका नाम आता है जी, बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन जी, रशियन रिवॉल्यूशन का फादर किसको गिना गया जी, लेनिन, लेनिन जी जो कि 1917 में रूस की जो क्रांति आई थी जी उसके बाद पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था रशिया का जी। कार्ल मार्क्स, इसकी थ्योरी जो है जी ये लागू हुई थी रशिया में जी, कार्ल मार्क्स की बेसिकली दो किताबें हैं, कार्ल मार्क्स जिसका जन्म जी जर्मनी में हुआ था जी, इसकी दो किताबें हैं जी, एक का नाम है दास कैपिटल और दूसरे का नाम है जी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जी। इन दो किताबों में से ही एक अक्सर पेपर में आ जाती है जी। कम्युनिस्ट जो ये कंट्री है, रशिया जो है कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना है ये भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है जी, कम्युनिस्ट जो लोग हैं जी इनकी थ्योरी क्या है जी, या आप कह लीजिए कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी उसका बेस क्या था। ये कहते हैं वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एंड पे अकॉर्डिंग टू नीड, जो आपकी कैपेसिटी आप उसके अकॉर्डिंगली वर्क कीजिए और आपको पे कितनी मिलेगी जितनी आपकी जरूरत है जी। 13th क्वेश्चन है जी, व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व, ह्यूमन राइट्स डे यानी मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर जी। इसको याद करने का बड़ा इजी वे है जी, 10 दिसंबर मानवाधिकार, मानवाधिकारों की जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अगर किसी का मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो ऊपर जाके शिकायत करो, तो ऊपर कौन बैठा है, 10 नंबरी जी। तो इससे आप याद रख सकते हो जी, जिसके पास शिकायत करने जाते हैं कभी वो भी मैक्सिमम केसेस में वो भी बीच में इन्वॉल्व होते हैं जी। तो जी 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है जी, 5 जून जो है जी ये एनवायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है जी, और जुलाई 11 है जी ये पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है जी, और दिसंबर 23 है जी ये किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है जी। किसान दिवस जी बेसिकली जी 23 तारीख जो है ये तीन है जी, तीनों बड़ी फेमस है जी, तो तीनों समझिए जी, 23 दिसंबर को किसान दिवस है जी, 23 जनवरी सुभाष चंद्र के कारण जी देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 23 मार्च जो है भगत सिंह के कारण जी शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14th क्वेश्चन है जी, विच इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है जी, गल्फ ऑफ मेक्सिको जी, इसका आंसर आएगा जी ए। नेक्स्ट है जी, अर्जुन अवार्ड्स आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, इनमें से कौन से एरिया में अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स, आंसर आएगा इसका जी सेकंड यानी बी। 16th क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे जी, यूएनओ का हेडक्वार्टर है जी सी, न्यूयॉर्क में। यूएनओ की स्थापना जी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी जी, उस वक्त जब इसकी स्थापना हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना हुई थी जी, तो इसकी स्थापना कर दी गई है लेकिन इसके लिए परमानेंट कोई हेडक्वार्टर नहीं था जी। तो सैन फ्रांसिस्को में जी यूएनओ का चार्टर साइन किया गया जी, चार्टर जिसको हम लोग जी संविधान बोल सकते हैं जी। यूएनओ का चार्टर जी कितने देशों ने साइन किया था, 51, कई किताबें जी 50 भी देती हैं लेकिन 51 मेंबर सही है जी।
एक्चुअली क्या है जी, पोलैंड जो है जी वहाँ पे पहुँच नहीं पाया था जी, लेकिन पोलैंड ने मैसेज भेज दिया था कि मेरे को वहाँ पे प्रेजेंट गिना जाए, तो पोलैंड को हम लोग प्रेजेंट ही गिनते हैं जी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है अभी, कौन सा कंट्री वहाँ पे पहुँच नहीं पाया था लेकिन उसको हम प्रेजेंट गिनते हैं, दैट इज पोलैंड। तो इसका चार्टर जो है सैन फ्रांसिस्को में साइन हुआ था जी, और इसकी पहली जो मीटिंग हुई थी यूएनओ की जी वो लंदन में हुई थी, फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी जी। और उसके बाद जी इसका परमानेंट हेडक्वार्टर कहाँ पे बन गया जी, न्यूयॉर्क में बन गया। नेक्स्ट इज द टाइटल विक्रमादित्य वाज अज्यूम्ड बाय, विक्रमादित्य का टाइटल उसको दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं जी। जो हम लोग विक्रम और बेताल के किस्से पढ़ते हैं वो सारे इसी से रिलेटेड हैं जी। तो इसका आंसर आएगा जी सेकेंड यानी बी जी। नेक्स्ट है जी व्हेन डिड द इंडो चाइना वार टेक प्लेस, इंडो चाइना वार कब हुआ जी, 1962 में, सी 1962 में हुआ था जी। इंडो पाक वार जो है फर्स्ट हुआ था जी 1948 में जी, और सेकंड जो इंडो पाक वार हुआ था जी वो हुआ था 1965 में जी, और उसके बाद जी 71 में थर्ड इंडो पाक वार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अकबर, अकबर ने कौन सा फेमस जो शहर है जी बसाया था जी, फतेहपुर सिकरी। अकबर ने जी ए इसका आंसर आएगा जी, अकबर ने जी फतेहपुर सिकरी की स्थापना जी गुजरात के ऊपर जब विजय पाई थी उसके बाद इसको बनाया गया था जी। इंडियन सब कंटिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज लैंडमास कॉल्ड गोंडवाना आइलैंड जी, गोंडवाना आइलैंड जो है जी इसका हिस्सा था इंडिया पहले जी। इसके दो क्वेश्चन दोनों में से एक अक्सर पेपर में आए थे, एक तो ये आया था अभी इंडिया पहले किसका हिस्सा था, ये इंडिया का जो लैंडमार्क है ये पहले किसका हिस्सा था जी, गोंडवाना आइलैंड का जी, गोंडवाना कंटिनेंट का कह सकते हो जी। तो दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंडिया का सबसे पुराना नाम क्या है जी, जम्बू द्वीप। इंडिया पहले गोंडवाना आइलैंड का हिस्सा था जी और जम्बू द्वीप के नाम से इसको जाना जाता था जी। तो ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जी, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू जी।